नमस्ते दोस्तों। दोस्तों एक और खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है वो भारत में लग रहा है। यानी कि सबसे बड़ा ऐसी जगह जहाँ पे पूरा सोलर एनर्जी या फिर जो विंड मिल से एनर्जी पैदा होगी वो भारत में लग रहा है। सिंगापुर के साइज का यानी 1,80,000 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क गुजरात के कुछ इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्थापना की है। इसका स्टोन लेइंग फाउंडेशन सेरेमनी की है और अभी इस पार्क पर काम चालू हो चुका है और अगले 5 सालों में ये पार्क बन के तैयार हो जाएगा और 30 गीगावाट के आसपास ये बिजली पैदा करेगा। यानी ये बहुत ज़्यादा बिजली होती है। और तो इसलिए भी ये जरूरी है कि जो सोलर एनर्जी है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। ये क्लीन एनर्जी होती है। अभी क्या होता है कि हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो या तो कोयले से बिजली बनती है या फिर डीजल प्लांट से डीजल से बिजली बनती है या इससे बिजली बनती है। और इससे एक तो इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होता है और दूसरा इससे हमारा जो पूरा का पूरा जो कई चीज़ें हम जो पेट्रोल डीजल ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं देश का बहुत सारा पैसा वहाँ चला जाता है। तो इससे दोनों देश पे दोहरी मार पड़ती है। एक तो पैसा बाहर चला जाता है, दूसरा जो इन्वायरमेंट को नुकसान होता है वो अलग से होता है। तो आने वाले समय में क्योंकि देश को जो बिजली और एनर्जी के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनाना है तो ये एक बहुत बड़ा कदम है उस दिशा में। तो ये जो प्लांट है इसमें बहुत सारे यानी जो विंड मिल होती है वो होंगी उससे बिजली बनेगी। उसके अलावा बहुत सारे सोलर जो प्लांट है वो होगा, सोलर सेल्स होंगी, सोलर प्लेट्स होंगी, लगी हुई होंगी। उसके अलावा जो बिजली बन रही है उसको स्टोर करने की भी वहां पर पूरी सुविधा होगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े इलाके में 1,80,000 स्क्वायर फीट इलाके में 1,80,000 एकड़ में ये पूरा का पूरा पार्क फैला हुआ होगा। और ये लगभग जितना बड़ा एक देश है सिंगापुर के बराबर ये सब पूरा ये इलाका है। और एक और खास बात ये कि यहाँ पर जो है जो ये इलाका ये समुद्र से मिला हुआ इलाका है जो कच्छ का इलाका है पूरा। तो यहाँ पे एक तो जो है धूप साल भर धूप रहती है, बारिश बहुत कम होती है। इसके अलावा हवा चलती है, काफी तेज हवा चलती है। तो दोनों फायदा, तो यहाँ पे जो विंड है हवा से भी आप बिजली बना सकते हैं और सूरज से भी बिजली बनेगी। तो बहुत अच्छा कदम है, हम सभी को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।